आदर, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल। एक बार पुनः फिर से स्वागत है विलेज लाइफ ऑफ नवरत्न के मंच पर। तो दीदी भैया, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और कुशल से होंगे। तो दीदी भैया, सभी लोगों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और मैं जो दीदी भैया हमसे जो नए जुड़े हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं अपना थोड़ा सा परिचय करा दूँ अपने विषय में। मैं एक साधारण सा एक सब्जी विक्रेता हूँ, जो कि आसपास के गाँव में सब्जियों की फेरी यानी कि हॉकिंग करता हूँ। एक गांव से दूसरे गांव सब्जियाँ आवाज़ लगा लगा कर बेचा करता हूँ। और साथ ही हमारी एक छोटी सी स्टॉल खाने पीने की दुकान है, जिसमें हम चाउमीन और ब्रेड पकौड़ा और आमलेट ये सब बनाते हैं स्नैक्स। तो आप लोगों से बेहद विनम्रतापूर्वक अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ये हमारा चैनल की पहुंच दूसरे दीदी भैया और सम्मानित सदस्यों तक पहुंच सके, समाज के वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंच सके। तो आप लोगों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि वीडियो के आखिर अंत तक बने रहिएगा। और आज हम आपको अपने दिनचर्या से रूबरू करवाएंगे, हमारी दिनचर्या क्या होती है और कैसे होती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वीडियोज़ के आखिर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दीदी भैया। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। और आज हमारे यहाँ सब्जी में बन रही है झींगी, जिसे कहीं कहीं तोरई भी कहा जाता है। तो आज झींगी बन रही है, झींगी की सब्जी और चावल। तो ये चीज़ बन रहा है। और ये मैं बता दूँ, ये घर का ही झींगी है, हमारे बगानों से तोड़ा हुआ, एकदम से स्वच्छ, ताज़ा और हरी भरी। हालांकि मैं उसका वीडियो तो नहीं बना पाया तोड़ते समय, लेकिन ये मेरे बगान में ही फली हुई हैं। ये सरकारी नल जल योजना के अंतर्गत दिया गया यह पाइप है, उसी से हमारी जल सुविधा होती है। ये सरकार द्वारा आवंटित की हुई नल जल योजना के अंतर्गत दिया हुआ पाइप है। नल बंद कर दो बाबू, हो गया। तो ये बन रही है आज, जैसा कि मैंने बताया कि आज बन रही है तोरी की सब्जी, जिसे हम लोग स्थानीय बोलचाल की भाषा में झींगी कहते हैं। ये घर से ही उत्पादन किया हुआ झींगी है, जिसे हम लोग अपने बागान में ही बोए थे, लगाए हैं। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये गागर नींबू का वृक्ष है। और ये काफ़ी फलों से लदे पड़े हैं, आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी फल फले हुए हैं इस वृक्ष पर। काफ़ी खाने में मधुर और लजीज होते हैं, काफ़ी मीठी होती है ये, और एक बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक ये सुपाच्य फल है, जो कि खाने में बहुत लाजवाब इसका जो स्वाद है वो काफ़ी बेहतरीन है। और ये हमारा चुन्नू, ये देखिए किस तरह से दाने चुग रहा है ये। और ये हमारा एक छोटा सा बागान है, जिसमें गागर के वृक्ष, गागर के फल के वृक्ष, इसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में गागर कहते हैं। तो गागर के वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, और इधर रहा अनार का पौधा,
और कुछ हरी साग सब्जियां हमने इसमें लगाई हैं। और पास में ही है धान के खेत, धान की फसलों के खेत। ये देखिए, आपकी जहाँ तक दूर दूर तक दृष्टि जाएगी, दूर दूर तक हरे भरे खेत ही खेत आपको नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी दूरी तक ये हमारा हमारे गांव का कृषक बंधुओं का खेत है, हमारे गांव के कृषक बंधुओं का खेत है। और सामने से ही आपको नज़र आ रही होगी दूर सूर्य मंदिर और एक पीपल का वृक्ष, और ठीक उसके पीछे सोन नदी, ठीक उसके पीछे सोन नदी। उसका परिभ्रमण भी हम आपको कभी और किसी वीडियो में कराएंगे। और हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में कई बार सोन नदी का भ्रमण आप लोगों को कराया भी है, तो सोन नदी है ठीक उसके पीछे, मंदिर के पीछे सोन नदी का तट। और ये हरे भरे खेत, और ये हमारा बागान छोटा सा, ये बस हमारा एक छोटा सा एकमात्र बागान है, छोटी सी हमारी खेती लायक ज़मीन है थोड़ी सी, उसी में हम साग सब्जियां और दूसरे फलदार वृक्ष लगाए हैं थोड़े बहुत, जो कि अभी बाल्यावस्था में ही हैं, छोटे हैं, अमरूद के हैं, कुछ खीरे की लताएं, लेकिन फल नहीं आ रहे हैं इसमें। तो हमारा अब चावल बन चुका है और इसमें से माड़ अब निकाला जा रहा है, यानी पसाया जा रहा है, हम लोग जिसे स्थानीय देहाती भाषा में, बोलचाल भाषा में कहते हैं। और इधर प्याज के जो टुकड़े हैं वो काटे जा रहे हैं, प्याज और पत्ता गोभी और चुकंदर मिर्च, ये सारा चीज़ का मिश्रण एक साथ हम लोग ब्रेड पकौड़ा में मिला कर देते हैं, सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में उसके अंदर डालते हैं ब्रेड पकौड़े में। दीदी भैया, 7 रुपया ब्रेड का पकौड़े का कीमत है, दाम है, मूल्य है, मगर इतने कम कीमत में हमें कुछ बचता तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 रुपया जो बचता हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपया ही बचता है प्रति ब्रेड पर। तो ये है कुछ, लेकिन इसी में किया ही किया जा सकता है, गांव में ज़्यादा मूल वर्ग के लोग लेना भी नहीं चाहते हैं, इसी में ही हमें गुजारा करना पड़ता है। और इधर प्रारंभ हो गई है चुकंदर की घिसाई, कद्दूकस, चुकंदर लाल वाला जो चुकंदर होता है, आप लोग चुकंदर से भली भांति अवगत होंगे, परिचित होंगे। चुकंदर, पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, ये सारा कुछ डालना पड़ता है दीदी भैया। और ब्रेड पकौड़ा, और उसमें समाहित होता है बेसन और ब्रेड और रिफाइन ऑयल फॉर्चून का, तो ये कुल लागत खर्च आ जाता है एक ब्रेड पर लगभग 5 या 5.25 रुपये, 5 रुपये 25 पैसा, तो लगभग 1 से 2 रुपये बचते हैं प्रति ब्रेड पर। और इधर काट रहा है अभिनव बड़ा वाला नींबू गागर, देखना हाथ ना कट जाए बेटा। मैं आपका परिचय करा दूं, क्या नाम है बोल दो एक बार बाबू। क्या? अभिनव कुमार। अभिनव कुमार, किस कक्षा के छात्र हो? कक्षा 7 का ये छात्र है और ये सरकारी विद्यालय में पढ़ता है।
तो ये हमारा सलाद अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब काटी जा रही है मिर्च, हरी मिर्च। तो नींबू की चीज इस तरह से हो जाता है छीलने के पश्चात। ये देखिए, तो इधर आलू हमारा छीला जा रहा है चोखे के लिए। जो चोखा बनता है ब्रेड पकौड़ा में, उस चोखे के लिए आलू हमारा अब छीला जा चुका है। और इधर खोल रही है चाउमीन।